पिछले साल की तरह इस साल भी रबी में चने की फसल हावी रहेगी। 17,568 हेक्टेयर में चने की फसल की खेती होगी। दूसरे स्थान पर गेहूं की फसल की खेती होगी और गेहूं की खेती का क्षेत्रफल 10,704 हेक्टेयर होगा। इस वर्ष जिले में कुल 1,33,404 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलें लगाई जाएगी। अनुमान है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चना, गेहूं, मक्का, लाखोरी, मटर, उड़द, मूंग आदि अधिकांश फसलें लगाए जाने की संभावना है। भंडारा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,300 हेक्टेयर है। साथ ही फसल की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल 2,07,287 हेक्टेयर है। कृषि विभाग का अनुमान है कि इस वर्ष जिले में 1,33,404 हेक्टेयर में विभिन्न रबी फसलें लगाई जाएगी। रबी सीजन में किसानों को खाद बीज की आपूर्ति में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कृषि विभाग ने विशेष योजना बनाई है। पिछले वर्ष जिले में औसत से अधिक बारिश हुई थी, हालांकि इस वर्ष वर्षा बमुश्किल से औसत तक पहुंची थी। खरीफ सीजन अब अपने अंतिम चरण में है, कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है। साथ ही रबी की बुआई के लिए किसान खेतों में जाते नजर आ रहे हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।